अल्लाम प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाह चौधरी प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हकूमत साजी के तकरीबन तमाम मराहल आज मुकम्मल हो गए हैं और वज़ी अजम शहबाज शरीफ साहब ने आज अपनी कैबिनेट भी जो है वो बना ली है आज हलफबरदारी हुई है अवानी सदर में उन्नीस जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने आज हलफ लिया है और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नई विफाक काबी से हलफ़ लिया है अभी सात के साथ डिटेल्स आ रही हैं कि किस शख्सियत को कौन सा कलमदान दिया गया है सरकारी जरा से जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो उस पर भी हम प्रोग्राम के दौरान ही बात कर लेंगे लेकिन बाहर एक छोटी काबीना हमें नज़र आ रही है और तमाम सीनियर्स के साथ साथ इसमें हमें कुछ नए लोग भी यंग लोग भी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है इसमें टेक्नोक्रेट्स भी हैं इसमें सनतकार हैं बेंकार हैं और जितने भी शोबे हैं उनसे रेलिवेंट लोगों को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सके बााहिर एक बहुत अच्छा फ़ैसला हमें इस वक्त नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें तमाम इतिहादी भी शामिल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मर्ज़ी से शामिल नहीं हुई कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनी है लेकिन बाकी तमाम तर जो इतिहादी हैं वो इसमें शामिल हैं अब असल सवाल ये है कि बाहिर हमें सब चीज़ें बहुत एक बैलेंस अप्रोच के साथ नज़र आ रही हैं अब ये जो काबीना है वो किस तरह से डिलीवर करेगी आवाम की तो पूरा उतरने के लिए क्या एक हमत अमली उनके पास होगी इस वक्त जो मौशी जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं Uh, महंगाई को कैसे कम किया जाएगा और ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में उसमें कैसे बेहतरी लाई जाएगी ये जो शख्सियात हैं उसके लिए किस कदर फायदा साबित हो पाएंगी कितनी मौसर साबित होंगी अवामी मसाइल को किस तरह से हल किया जाएगा नो no डाउट के बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन चैलेंजेस को किस तरह से ख़त्म किया जा सकेगा किस तरह से इनका मुकाबला किया जा सकेगा ये सबसे बड़ा सवाल है इसी सवाल पर हम प्रोग्राम में गुफ्तू करेंगे और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ हमारे साथ हाफ़ि साहर खलीस साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और उनके साथ रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं दोनों ही सीनियर तजयकारार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए हाफ़ी साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ आज एक बड़ा अहम मरहला है जिसका इंतज़ार भी किया जा रहा था वो मरला मुकम्मल हो गया है और 19 रुकनी ये कैबिनेट है आज जो बनाई है वज़ी अजम साहब ने ओवरऑल कैसे देख रहे हैं ये कैसी कैबिनेट है मुख्तार नजर आ रही है फिलहाल अगर ये पहला मरहला है तो लेकिन जो इसमें लोग मौजूद हैं उनसे क्या तो नहीं यकीन ये आज हमारे जमहूरी तारीख का एक नायत अहम दिन था कि आठ फरवरी से शुरू होने वाला इंतवी अमल इंत और जमहूरी अमल आज कैबिनेट साजी के बाद जो है तकरीबन पाय तकमील को पहुँचा है और उन्नीस रुकनी कैबिनेट ने आप देखें कि हमने जो सफ़र तय किया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए 29 फरवरी को कौमी असम्बली बन गई उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन और 3 मार्च को कायद ईवान का इलेक्शन और 9 मार्च को सदर पाकिस्तान का इलेक्शन 10 मार्च को सदर पाकिस्तान ने कल हलफ उठाया और उसके साथ ही आज जो है अगले दिन यानी आज प्रेसिडेंट जरदारी का गार्ड ऑफ ऑनर भी था उन्होंने अपने ऑफिस में बाकायदा जिम्मेदारियाँ संभाली हैं और इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारियों में पहली बड़ी ज़िम्मेदारी कैबिनेट का हालत बर्दारी थी आज बड़ा इवेंट था एवान सदर में जी। जिसमें हमने ये देखा क्योंकि मैं ख़ुद भी इसमें शरीक हुआ और इसमें मैंने देखें ये अगर हम माजी की जो काबीना है उनका जायजा लें और उनका तकबली जायज़ा लें एक कम्पेरेटिव स्टडी के तौर पर तो हम ये देख रहे हैं कि आज जो पन्ने वाली काबीना है ये बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की एक तो यह है कि अददी अक्सरीत के लिहाज से ये महदूद थी ये। कि इसमें उन्नीस अरकान को शामिल किया गया और इसमें दूसरा पहलू यह था कि इसमें नहाय तजरबाक सीजन लोग और उसके साथ साथ नौजवान क़्यादत भी मौजूद हमें नज़र आई कि एक तरफ जो है ख्वाजा आसिफ साहब हैं राना तनवीर साहब हैं डार साहब हैं ऐसा इकबाल हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं ये वो लोग हैं जो माजी के मुसलसल जो हैं वो सात से लेकर और तकरीबन नौ असम्बलियाँ जो हैं मुसलसल इलेक्शन जीतते आए हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा तजर्बा है उनके साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का भी और गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन में रहने का भी इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि नौजवान जो क्यादत के लोग हैं जिसमें पी एम एल क्यू से आए हैं शेजा फातिमा आई हैं इसी तरह अताड़ आए हैं तो मोहसिन नकवी आए हैं तो ये वो लोग हैं जो कि कैबिनेट में शामिल किए गए हैं और एक हसीन मतलब इसको कहा जा सकता है एक खूबसूरत इम्तज़ाज भी है एक सीजन लोगों का सीनियर लोगों का और नौजवान क्या का तो ये एक कैबिनेट जो है एक मतदिल कैबिनेट भी कहा जा सकती है मुतवाजन भी और इसमें देखें इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें वो ऐसे प्रोफेशनल शामिल किए गए हैं जो अपनी अपने शोबे में बासलाहियत किरदार अदा, अदा कर चुके हैं ठीक है मैं आप मुझे इजाज़त दीजिए हम साफी साहब को शामिल कर लेते हैं फिर हम आगे भी बात करेंगे कि इस वक्त Uh, मसाइल क्या होंगे चैलेंजेस क्या हैं साफ़ी साहब ओवरऑल एक अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँ ये कॉम्बो जो बनाया गया है इसमें यंग लोग भी हैं सीनियर सियासदान भी हैं सबको शामिल किया गया है ताकि हर तरफ़ से एक तो नुमाइंदगी भी हो जाए फिर एक तो मसाइल की अंडरस्टैंडिंग होती है वह नए लोगों की मुख्तफ होती है सीनियर्स की मुख्तलिफ होती है तो वो सारी चीज़ें मिलकर जो है एक बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सके जी शुक्रिया नाहिद एक तो हाफिज साहब की बात से मुझे इतफ़ाक़ है कि ये काबीना बैलेंस नज़र आ रही है और मुख्तसर काबीना है इस वक्त वैसे भी हमारा जो कौमी ख़जाना है वो ज़्यादा अखराजा का मुतहमल नहीं हो सकता जो आपका सवाल है वो अहम है अपनी जगह पर और मसाइल का एक तो जो हल है तब ही तलाश किया जाता जा सकता है जब आपको मसाइल का इदराक हो और समझ हो हाँ। तो इस काबीना में हम देख रहे हैं कि अपने शोबों के ताक लोगों को शामिल किया गया है इसमें पार्लीमान के अंदर और पार्लीमान से बाहर लोगों को भी लाया गया है जो अपनी इंतजामी सलाहियतों के हवाले से उनकी शोहरत अच्छी रही है और उनकी कारकर्दगी बेतगा बेतकान हाँ। रही है तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इब्तई काबीना है जिसने अमूर सल्तनत को आगे चल के चलाना है तो ये एक मतवाजन काबीना हमें नज़र आ रहा है, है। और मसाइल मल्टीपल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मीशत का है फिर सिक्योरिटी का है फिर और भी हमारे सियासी अदम इसकाम के मसाइल है इनको हल करने की सलाहियत हमें इन लोगों में नजर आ रही है।, है जिनका आज हुआ है। ठीक है मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे चैलेंजेस क्या हैं? इस वक्त मसाइल क्या हैं? एक मुख्तसर सा ब्रेक मुझे लेना है उसके बाद वापस हैं वेलकम बैक टू द शो और हम नौ मनतखब जो काबीना है उसके हवाले से गुफ्तू कर रहे थे और काबीना का पहला इजलास भी आज शुरू हो चुका है वज़ी अजम साहब की सरबराही में इस काबीना के हवाले से हम गुफ्तु ये कर रहे थे कि इसमें हमें जो लोग नज़र आ रहे हैं बहुत सीनियर भी हैं नए लोगों को भी शामिल किया गया है एक बैलेंसड अप्रोच के साथ आने की कोशिश की गई है इसमें जो नए लोग हैं ताकि ओवरऑल ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ डिलीवर किया जा सके अब जो चैलेंजेस हैं उस पर हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करें हाफिज़ साहब इस वक्त जो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं और मौशी तौर पर तो ख़ासतौर पर जो इस वक्त मसाइल हमें दरपेश हैं उनसे बाहर निकलने के लिए खास एक खास हिमत अमली की भी ज़रूरत है एक ख़ास हमें नज़र आना चाहिए फ्रेम ऑफ वर्क के जिस पर काम किया जा सके तो जो ये काबीना है इसमें सनतकार भी शामिल हैं टेक्नोक्रैट्स हैं बैंकार हैं मुख्य लोग शामिल हैं और आपकी उनसे आज मुलाकात भी हुई है तो क्या आप का आपकी परसेप्शन क्या है कितना वियन है अंडरस्टैंडिंग आपको नज़र आई कि इन सारे मसाइल को हल किया जा सकता है इतनी केपेबल हैं ये सब लोग देखें नाहिद जो हमारी कौमी तारीख का खुशुल पहलू है एक तो ये है कि हकूमत मुकम्मल हो गई पार्लियामेंट मुकम्मल हो गई और के साथ कैबिनेट मुकम्मल हो गई तो ये आइनी तकरीबन तमाम मुकम्मल हो गए आज जब हल्फ वफादारी की तकरीब थी तो वहाँ मीडिया के नुमाइंदों के साथ मुख्तलफ जो रहनम हैं और जो वज़रा हैं उनके साथ बातचीत भी हुई उसमें औरंगज़ेब साहब से हमारी मुलाकात हुँ। हुँ। हुई और उनसे मुआशी जो बहरान है याशी चैलेंजेस हैं उसके हवाले से भी एक पर्टिकुलरली उस हवाले से बात हुई तो देखें वो लोग मैंने जो महसूस किया कि बिल्कुल क्लियर हैं औरंगज़ज़ेब साहब का ये कहना था कि मुआशी बहाली के लिए केयर टेकरस ने कुछ इकदाम लिए हैं है। हम चाहेंगे कि उन इकदाम को आगे बढ़ाया जाए और कंसोलिडेट okay. किया जाए तो उससे एक पॉलिसियों में तसलसल का एक का हमें मिलता है कि एक निशानदही हो रही है कि पॉलिसियों में तसलस जो है मुआशी पॉलिसियों में बहुत ज़रूरी है, है। केयर टेकर्स ने देखे केयर टेकर से पहले मियाँ शहबाज शरीफ की हकूमत में एस आई एफ सी बनाया गया ठीक है उसके ज़रिए फिर केयर टेकर ने उस एजेंडे को लेकर आगे बढ़े और फॉरन इन्वेस्टमेंट आज प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है सऊदी सफ़ीर से के साथ और सऊदी सफ़ीर ने भी इस बात का अदा किया है कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी को वसूत देने के लिए इकदाम किए जाएंगे और इस इस हवाले से कुछ तफसीलात भी आज ते, कुछ तय हुई हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में नहीं। नहीं। आज प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की भी एक मीटिंग हुई है हल्फ वफादारी के बाद जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं जो मुआशी बहरान है और पाकिस्तान में जो सियासी अमल को पुख्ता करने के लिए ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में एक जो मफाहिमाना माहौल है उसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम जो है तजवीज़ किए गए तो ये देखिए कौमी क्यादत की जानब से हम देख रहे हैं कि एक मस्बत इशारे आ रहे हैं और पाकिस्तान के मसाइल की उन्हें बखूबी इधरक है और यही वजह है कि वह मालूम है कि हमें इस वक्त जो मुआशी चैलेंज़ हैं सबसे बड़ा मसला जो है हमारा वो लोगों को लोगों को महंगाई के बोझ से जरा उनका बोझ कम करना और आईएमएफ के साथ जो शराब तय होने वाली हैं वो शरात जो है हम किस एहसन तरीके से पूरी करते हैं इसके अलावा फिर यह है कि देखें पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़ रही है उसको कम करना पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी के लिए राह हमवार करना ये वो चैलेंजेस हैं जो बहुत ज़रूरी है और जिसके लिए निपटना बहुत ज़रूरी देखें इस इसके लिए ज़रूरी यह है कि पार्लियामेंट हुकूमत और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक ऐसा किरदार अदा करें कि मुल्क में ऐसा माहौल बने कि गैर मुल्की सरमाकारी जो है उसके लिए उसको फ्रोक मिल सके और पाकिस्तान के अंदर जो मामला हैंशी मामला उसमें भी बेहतरी लाई जा सके ठीक है आज जो हलफ बर्दारी हुई है उससे अब चीज़ें जो है वो बहुत क्लियर हो गई हैं अब आगे जो है मामला बढ़ रहे हैं Uh, जो चैलेंजेस की बात और मसाइल की बात हम कर रहे हैं साफी साहब मैं ये चाहूँगी कि ज़रा आप उस पर अपनी राय दें मौशी जो चैलेंजेस हैं वो हम सबको पता है किशी और इकतसादी तौर पर क्या मसाइल इस वक्त हमें दरपेश हैं जो नई काबीना है आपको उनकी आपको लगता है कि वो इसत और वो अंडरस्टैंडिंग वो वियन उसके अंदर मौजूद है कि इन तमाम तर मसाइल से जिनसे व नबरदाजमा है बाहर निकल आएँगे मुल्क को बाहर निकाल लेंगे इन मसाइल से बिल्कुल वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा उसके मजदाक वज़र अजम साहब की एक विल तो हमें नज़र आ रही है और एक नुक़ँ जो आपने थोड़ी देर पहले उठाया था वो मेरी नज़र में इंतहाई अहम बात थी और वो इस हवाले से कि माजी की हुकूमतों को जब भी हम सुनते रहे तो वो ये कहते हुए हमें नज़र आए हैं आ, वो हुकूमतें नज़र आई है कि जो गुजरने वाली हुकूमत थी उन पे मलबा डाला जाता है इस हाँ। हुकूमत का ये खासा है कि इनको पॉलिसियों में तसलस मिल रहा है आप जानती है कि पीडीएम की जो पहली हुकूमत थी उसकी सरबराही नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने की उसके बाद हमारी खुशकस्मती ये हुई कि निगरान हुकूमत ने भी उन पॉलिसियों का तसलसल जारी रखा इस्पेली जो इकॉनमी के हवाले से जो विजन था शरीफ साहब का उसी के तसलसल में इस एस आई एफ सी को आप देख लीजिएगा निचकारी के मनसूबों को आप देख लीजिएगा सी पैक और चीन जैसे के साथ ममालिकाताल्लक़ात को आप देख लीजिएगा निगरान हुकूमत ने उसमें तसलसल रखा हाँ। है अब शबाजा शरीफ साहब दोबारा जब इकतदार में आए हैं तो उनको वो मसाइल नहीं है यानी हम ये कह सकते हैं कि उनको नए सिरे से उनको काम नहीं शुरू कर से करना पड़ रहा एक तो मसाइल आइडेंटिफाइड है और रैट, उसकी वजह ये है कि जो पी टी आई की आखिरी हुकूमत थी उन्होंने इकॉनमी को इस नह तक पहुंचा दिया कि उस वक्त के हुक्मरान हमें कहते रहे कि खुदा न खास्ता हमारी इकॉनमी डूब रही है हम इस वक्त महंगाई के जोर के नीचे तो जरूर है हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी डूब हाँ। रही है या पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है या पाकिस्तान के मीशत खुदा न खास्ता दिवालिया हो रहा है चैलेंजेस बेतहाशा है।, है लेकिन दूसरी तरफ हमें एक विल नजर आ रहा है एक विजन नज़र आ रहा है एस आई एफ सी जो है वो मुतहरक है आपने देखा कि फवाद फवाद जैसे लोगों ने माजी करीब में कितना बड़ा काम किया है निजकारी के हवाले से जो माशी इस्तेकाम के हवाले से मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जो अनवर ललहक साहब की टीम में माशी टीम जो शामिल थी आए मैं खुद उन लोगों की तारीफ करने पर मजबूर हुआ है हालांकि एक पार्टी ने कोई वजह नहीं चोड़ी थी कि आईएमएफ जैसे इदारे पाकिस्तान की रियासत से नाराज हो लेकिन भला हो आई एम एफ़ का कि उन्होंने इन सियासी गलत सियासी अज़ाइम को नाकाम बनाया है और उन्होंने निगरान हुकूमत पर भी अहतमा का इजहार किया है और नई हुकूमत के साथ भी काम जारी रखने का इंदिया दिया है इसका नतीजा आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में दो तीन दिनों से मस्बत रुझान है जब से ये हुकूमत आई है तो जो डिक्लाइन पे हमारा स्टॉक एक्सचेंज जा रहा था जो हमारे मनफी इशारे थे मीशत के हवाले से वो मस्बत में तब्दील हो रहा है लेकिन स्टिल लॉन्ग वे टू गो वाला हमारे सामने एक कायम है अभी ये आगाज है इन हुकूमतों के आ, सलाहियतों का एक चैलेंज है और हम जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब खुद भी दौड़ते हैं अपनी टीम को भी दौड़ाते हैं तो ये है कि आने वाले दिनों में जो हमारे बर्निंग इशूज है जो मीशत के है जो सिक्योरिटी के है जो सियासी अदम इसम के है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी ठीक है वाहिद आज जब हल्फ वफादारी हो रही थी उसमें एसर इकबाल साहब से भी मुलाकात हुई मीडिया वफादारी जी फरदारी तो उसमें देखें उन्होंने बिल्कुल क्लियर बात की जब मुआशी चैलेंजेस के हवाले से क्योंकि देखें जो बहरान है वही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है उस हवाले से जब हमने बात की एहसन इकबाल साहब से तो उन्होंने हवाला दिया अपने मंशहूर का भी उन्होंने कहा जी कि हमने कुछ वादे किए हैं कौम के साथ और हमने एक विज़न दिया हैशी बहरान को हल करने का जिसमें ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि इकॉनमी नंबर वन नंबर टू एनर्जी नंबर थ्री इन्वायरमेंटल चेंज जो पाकिस्तान को बड़ा एक बहुत बड़ा मसला है नंबर फोर एजुकेशन और नंबर फाइव जो है एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड वमेन ये फाइव ईज का उन्होंने बताया आज हवाला दिया उन्होंने कहा कि हम इसके ज़रिए जो है मुल्क में एक मुआशी जो अब तरी है उसको ख़त्म करेंगे यहाँ पर कौम को खुशहाली देंगे कौम की तरक्की की तरफ हम गामजन होंगे और इसी से कंसॉलिडेशन जो है मीशत में वो आएगी तो वो कहते हैं कि हमारा एक हमने एक विज़न दिया हुआ है हमारे पास प्रोग्राम मौजूद है अब हम अब वक्त है इम्प्लीमेंट का वक्त है इस वक्त डिलीवरेंस का अब ये काम है पार्लियामेंट और हकुमत का कि वो किस तरह से गवर्नेंस के मसाइल हल करती है ताकि लोगों को इसका फायदा होम्प्लीमेंटेशन का ही मसाला होता है आप मुझे ये बताइएगा आप साफिस पहले जो आई एम एफ का जिक्र कर रहे थे अब हमारे जोशी मसाइल हैं जाहिर है कि इस मरतबा भी हम आई एम एफ के पास जा रहे हैं जो चैलेंजेस हमें इस वक्त हो सकते हैं दरपेश मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं और क्या चाहिए आई को बदगुमान करने की बड़ी कोशिश की गई लेटर लिखे गए यहाँ से लेकिन आ, उनका बिल्कुल जवाब आ गया कि हम ये स्टेट के साथ बात करते हैं और इसमें हम किसी फ़र्द या किसी पार्टी के साथ बात नहीं होती ठीक है। तो बड़ा उनका देखिए वो बड़े क्लियर हैं आईएमएफ इस मामले में और उसको ये बताया गया कि इस वक्त जो भी जो भी हुकूमत होगी हम उससे बात करेंगे और आईएमएफ ने पाकिस्तान का जो साबका प्रोग्राम जो ख़त्म हुआ है उसके हवाले से ही बात की है कि पाकिस्तान ने जो शरात हमने दी थी हाँ। जो हमसे वादे किए गए वो पूरे किए और हाँ। यही वजह है कि आई एम एफ़ के साथ जो अगला प्रोग्राम जो है उसके लिए अब निगोसिएशन की राह बिल्कुल तकरीबन हमवार हो चुकी है हाँ। पाकिस्तान की माशी टीम जो है अब उस अब बनने जा रही है हाँ। आज जो है वो जब नए मिनिस्टर साहब ने ओथ लिया है उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ बड़ी डिटेल मीटिंग थी अलीहदा एक बैठे रहे हैं वो और उसमें ज़्यादातर जो है पाकिस्तान को जो फौरी तौर पर जो चैलेंजेस हैं मुशी उसको हल करने के इकदाम तजवीज़ किए गए अब है। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में इस हवाले से कुछ पार्लियामेंट में भी बात करेंगे और कौम के सामने वो कुछ लाहेमल भी पेश करने वाले हैं ठीक है अच्छा साफी साहब मुझे खारजा पॉलिसी पर भी बात करनी है लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले ये जो जोशी चैलेंजेस हैं इकतदी तौर पर जो मसाइल इस वक्त हमें दरपेश हैं आई एम एफ में हम जा रहे हैं इस वक्त हमें क्या मसाइल दरपेश हैं क्या आप ये समझते हैं कि चैलेंजेज़ होंगे आई के साथ पिछली आपको पता है कि जब पी की हुकूमत आई थी उसमें तो बहुत ही मुश्किल के साथ हमने वो प्रोग्राम जो है वो बहाल हुआ था तो क्या बेहतरी आई उसके बाद जो सारे इंडिकेटर्स है हमें बताते रहे कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं अब कदरे आसान होगा हमें uh... अगर आ, हकीकत पसंदा तो बात की जाए तो आसान काम तो अब भी नहीं है क्योंकि माशी मसाइल के हवाले से सदर नो मनतखब सदर नोमतब वजी अज़म अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था नो मनत वफाकी वज़ी तार साहब जितनी भी अहम लोग हाफिज़ साहब ने जिक्र किया एहसन इकबाल साहब का औरंगज़ेब साहब का इन तमाम लोगों का यही इस बात पर उनका अजमा है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल संगीन है और अगर ये हमारे हुक्मरान और हमारे जो इंतज़ामी अमूर के जो सरबराहान है या जो जिम्मेदारान हैं अगर ये ना भी कहे तो हाँ। बहसीयत आम शहरी हम इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहरी किस मुश्किल सूरत हाँ। हाल से दो चार है इस वक्त लेकिन आपका जो सवाल हाँ। है कि माजी में जो हमने जो पी डी एम वन के दौर में जब हम जिस मुश्किल से हाँ। आई एम एफ के पास गए और जिस तरीके से और जिस तगदो के बाद आईएमएफ को कर्जा की किस्त जारी करने पर राज़ी करने में उस वक्त की हुकूमत कामयाब हुई थी इस दफ़ा की हुकूमत को नस्बता आसानी होगी लेकिन इसका ये मतलब हारगज़ नहीं है कि हमारे माशी मसाइल जो है वो हंड्रेड परसेंट काबू में है और हम आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम है वो बहुत आसानी से हासिल भी कर लेंगे प्रोग्राम हासिल करना एक चैलेंज है फिर उस प्रोग्राम को मफाद में बरोकार लाना दूसरा चैलेंज है वो इंतजामी मसाइल में आ जाता है तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसपे हम बात नहीं कर पा रहे फिर उन कर्जों की वापसी हमने कब कर्जों करसो, हाँ। हाँ। कर्जों के जरिए अपनी रियासत को चलाना है आवाम को रिलीफ देना है ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा आपने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अलावा भी सोचना है आपने दोस्त ममालिक से कर्जा जात लेने के अलावा भी आपने कोशिशें करनी होगी जब तक आप बरामदाद और दरामदाद में तफ़ावत को ख़त्म नहीं, नहीं करेंगे उस फ़र्क को नहीं मिटाएंगे यानी जितने डॉलर आपको दरकार है उतने डॉलर आप अगर जनरेट करने में नाकाम रहेंगे वो डॉलर लाने में नाकाम रहेंगे पाकिस्तान के अंदर तो चाहे आप 20 मरतबा आई के, के पास जाए आप 20 दफा सऊदी अरब के पास जाए आप 20 दफा चाइना के पास जाए आपका माशी मसला हल नहीं होने वाला दुरुस्त। इसका दुरुस्त। यही एक ही हल है हाँ। कि आपने अखराजात

आईएमएफ के पास जाना तो कोई सलूशन नहीं है आउट ऑफ बॉक्स सलूशन की तरफ़ जाना पड़ेगा बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जिनसे कम से कम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल हो और तौर पर हम किसी कदर बेहतरी देखें अभी मुझे एक ब्रेक लेना है ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर यहीं जो गुफगू का आगाज़ करेंगे हमारे साथ तो फिर आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदी कहते हैं और नासरीन जिस तरह से माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जो इस वक्त हमें दरपेश हैं उसके साथ साथ कोशिश ये की जाती है हकूमत की तरफ से हमेशा कि कुछ ऐसे काम भी किए जाएं जिसे वो लोग जो गरीब हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स का इजरा किया जाए ताकि उनको इसका फ़ायदा हो जाए अब चूँकि रमज़ानमारक का आगाज़ बिल्कुल होने वाला है तो इस हवाले से जो प्रोग्राम जिसका अजरा किया गया है वो ये है कि वज़ी अजम साहब ने जो रमज़ान रिलीफ़ पैकेज का अजरा किया है इस मरतबा उसका हजम जो है वो बढ़ा दिया गया है सात अरब जो है पहले इसका हजम था इसे बढ़ाकर साढ़े बारह अरब कर दिया गया है तारीख का इस वक्त का जो सबसे बड़ा पैकेज है जिसकी अनाउंसमेंट हुई है और इसमें नई बात यह है ख़ासियत यह हमें नज़र आ रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो लोग जो वाकई ज़रूरतमंद हैं मुस्तक हैं तक पहुँचा जाए ताकि जो इंटेंशन है जो मकासद हैं इस प्रोग्राम को के आगाज के उनको पूरा किया जा सके अब इसका क्या इम्पेक्ट होगा कितना फ़ायदा होगा जो गरीब लोग हैं और किस तरह से वो इसको हासिल कर पाएंगे कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं ओवरऑल सारी क्या डिटेल्स हैं उनके हवाले से हम प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे हाफिज़ साहब मुझे बताइएगा एक बहुत बड़ा पैकेज है जिसके अनाउंसमेंट हुई है उसमें इजाफ़ा भी किया गया है सात अरब से बढ़ाकर साढ़े अरब का ये पैकेज कर दिया गया है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जा सके जो मस्किन हैं जो नादार लोग हैं वो वो इसका हिस्सा बन पाएँ ये नई हुकूमत का आगाज़ भी रमज़ान से हो रहा है और इसके साथ ही नई हुकूमत का जो पहला इकदाम है वो रमज़ान रिलीफ पैकेज है जो गरीब आवाम को दिया जा रहा है गरीब और मुस्तक लोगों के लिए इस मतबा रमज़ान पैकेज की कई खसूसियात जो हैं हमें सामने नज़र आ रही हैं एक तो ये है कि रमज़ान पैकेज का दायरा कार और इसका जो असर इसका जो असर है हाँ। वो वस उसको वसत दी गई है और गरीब नादार और जो मुस्तक अफराद हैं उनमें उन में उन तक रसाई को मुमकिन बनाया गया है और उसके लिए दो तरह के सिस्टम जो हैं वो एवाल्व किए हैं एक तो यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए होगा हाँ। और दूसरा बी आई एस पी बेनज़ी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनके पास पूरा डिजिटल डाटा मौजूद था गरीब लोगों का और हुकूमत की कोशिश ये है कि राशन के जो बैग्स हैं और जो रिलीफ फूड पैकेज के जो बैग्स हैं वो उनके घरों तक पहुँचाए जाए और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक तो यह कि बी का पूरा प्रोग्राम डिजिटलाइज है और उसके लिए उसके ज़रिए एक्सेस जो है वो कम से कम वक्त में यकीनी बनाई जा रही है दूसरा हम देख रहे हैं कि इसमें एक बड़ी सपोर्ट जो है पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है कि पंजाब की हुकूमत ने भी एक फूड रिलीफ़ पैकेज जो है रमज़ान के लिए ऐलान किया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और वो ख़ुद विज़िट कर रही हैं रमज़ान बाज़ारों का और ख़ुद विज़िट कर रही हैं सस्ते बाज़ारों का देखिए इसमें प्रोविन्शल गवर्नमेंट्स का बड़ा एक रोल है कि रमज़ान फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया प्रिंसिपल एक एडवाइस जारी की कि छोटे सस्ते बाज़ार और रमज़ान बाज़ार जो है लगाए जाए अब रमज़ान बाज़ारों की मॉनिटरिंग और इसी तरह गरीब लोगों को उनकी रमज़ान पैकेज की फरहमी उसके लिए उन्होंने डिजिटलइजेशन की है मोनीटरिंग का इंतजाम बनाया है पंजाब में चूंकि पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है और यहीं पे मुस्तक और नादार और मसाकीन लोगों की तादाद भी ज़्यादा है।, है तो इसलिए डिजिटल मॉनिटरिंग की है स्कोर कार्ड बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए डिप्टी कमिश्नर से कहा गया है कि वो स्कोर कार्ड के जरिए बताएं फेड गवर्नमेंट को चीफ सेक्रेटरी को के वो किस हद तक एक्सेस की है उन्होंने गरीब लोगों तक ठीक है तो ये तमाम काम जो है इसीलिए किए गए हैं कि ताकि मुस्तक अफराद तक राशन के जो रमजान पैकेज है वो उससे इस्ता कर सकें और उनको उनकी दस्तरस हो सके ठीक है सर साफी साहब जरा फेडरल के हवाले से हम जरा थोड़ी सी बात कर लें जो साढ़े बारह अरब रुपए का ये रमजान पैकेज है इसमें एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है फिर अब तक जो है इब्तदाई तौर पर बारह सौ मोबाइल पॉइंट्स और तीन सौ मुस्तकिल जो रिलीफ पैकेज मरकज हैं वो कायम किए गए हैं दूसरी भी काफ़ी सारी डिटेल्स हमारे साथ हमारे पास मौजूद हैं लेकिन जो एशियाए खुरदुनोश है जिन पर सब्सिडी दी जा रही है उसमें बी के तहत जो है आटा चावल दा घी चीनी शरबत और दूध जो है वो मार्केट से कम कीमत पर फराम किया जाएगा और मूसी के अफराद को बाज़ार से 30 फीसद कम पर जो है वो अशियाए खुरदनोश फराम की जाएंगी आटे पर फ़ी किलो सतर रुपये और घी पर सत्तर रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी इसका क्या इंपेक्ट होगा कुत खरीद कम है महंगाई ज़्यादा है जाहिर है कि आवाम पीसी हुई है तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप जी नाह सबसे पहले तो आपको हाफिज़ साहब को और देखने वाले तमाम जो हमारे मुसलमान बहन भाई है पाकिस्तानी है पाकिस्तान से बाहर है उनको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत बात नजर आई पाकिस्तान में भी चांद नज़र आ गए पी टी वी ने उसको अनाउंस कर दिया है लाहौर में चांद की शहादत और रोय हुई है तो ये बरकतों का महीना शुरू है तो हाँ। जो हाफिज साहब ने जिस तरह फरमाया कि सुकूमत को अल्लाह ताला ने ये आ, मौका फराहम किया है कि उनका पहला इकदाम जो है वो ग़रीब आवाम और रोज़दारों के लिए आ, उन्होंने उठाया है और ये जो रिलीफ में शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन साढ़े पाँच अरब से ज़ायद का जो इजाफ़ा किया है ये भी आ, इन नामसाइद माशी मुश्किल और हालात के बावजूद आ, उन्होंने जो ऐलान किया है ये एक बहुत बड़ी बात है इससे पहले तकरीबन आ, आपके प्रोग्राम का बेशतर हिस्सा हमने इस गुफ्तु में आ, सर्फ किया कि पाकिस्तान के म, माशी हाँ। मसाइल कित कि, किस कदर गंभीर है और जो बेमामी इदारे हैं वो पाकिस्तान के साथ किस तरह जोर आजमायों में लगी हुई है स्पेशली आई एम एफ़ को ये रिलीफ टाइप की चीज़ें और ये सब्सिडी देने का जो अमल है ये हरगस पसंद नहीं आता और शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम इस बात से बखूबी आगाह है लेकिन दूसरी जानब चूँकि वो अवाम से है और आवाम के पास वो हाल ही में होके आए हैं इलेक्शन कम्पेन के दौरान हाँ। तो उन्हें पता है कि मुल्क में मा, जो महंगाई है उसकी क्या सूरत हाल है और माह से आम के बाबरकत महीने में लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ जाती है और वैसी भी ये बरकतों और नमतों का महीना है तो हुकूमत ने ये रिलीफ प्रोग्राम प्रेशर बर्दाश्त करने के बावजूद ये एक रिलीफ प्रोग्राम का अनाउंस किया है तो अब इंतजामिया का ये फर्ज बनता है ये सही मुस्तह लोगों तक ये इमदाद पहुँचे माजी की रिलीफ़ पैकेज़ बदकस्मती से मुस्तक लोगों की बजाय चंदींदोज़ों और चंद बासर लोगों के जेबों में और उनके घरों में ये रिलीफ़ पहुँचता है लेकिन इस दफ़ा जिस तरह फर्मा आ रही है कि बाकायदा एक डैशबोर्ड कायम किया गया है ज़िली कमेटियों की जिम्मेदारियाँ लगाई गई है इस मुल्क में इस वक्त कमिश्नरी निज़ाम जो है वो फ़ाल है डी सीज़ और ए सीज़ मौजूद है तो अगर विल हो और विजन हो तो कोई वजह नहीं है कि ये रिलीफ प्रोग्राम इसकी सही मॉनिटरिंग हो हाँ। और अगर सही मॉनिटरिंग हो और बी एस आई पी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके ज़रिए यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए खूसी सेंटर्स के ज़रिए अगर इस पैकेज को इस रिलीफ जो पूरा एक इन्होंने जो मुख्तलबरूरी अशिया का अपना नाम लिया ये अगर सही लोगों तक पहुंचाने के इकदाम किए जाए तो कुछ न कुछ रिलीफ ज़रूर मिल सकता है हम तस्लीम करते हैं कि इस पैकेज के नतीजे में जो महंगाई का जो एक, जो एक बहुत बड़ी ख़तरनाक लहर है उसका कला कमा नहीं हो सकता लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर है कि कुछ गरीब ख़ानदानों को माय की नहीं। नहीं। बरकत है उससे ज़्यादा लुफ्फोज़ होने का और इससे फ़ायदा उठाने का एक मौका मैसर आएगा और इस हालात में इससे बढ़ के मेरे ख्याल में हुई इस्तात नहीं थी कि साढ़े बारह लाख तीन करोड़ छियानवे लाख खानदान उठा सकेंगे आ, तो जो कर रही है, हमेशा इस किस्म के जो है, वो जाते है। लेकिन इनफरादी तौर पर हमारी अपनी भी जिम्मेदारी होती है तो ये इस जिम्मेदारी को महसूस कर कि देखें जब अशिया ज़रूरिया जिसकी रस तलब और रसद में एक तोज़न कायम ना हो तो उसकी वजह से महंगाई हो जाती है तो उसके लिए जरूर उसके लिए एक अहम इकदाम ये उठाया गया है कि तमाम स्टॉक अंदोजों से कहा गया है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएं अपना स्टॉक को रजिस्टर कराएं ताकि पता चले कि किस किस के पास कितना स्टॉक है और वो, वो मुद्दत के अंदर मार्किट में लेके आए और मार्किट में प्राइस कमेटियाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी कायम की गई हैं और उनकी सुपरविज़न भी हो रही है देखिए ये एक मरबूत निज़ाम है जो कि रमज़ान के लिए बनाया गया है और इसका डायरेक्ट ताकि रोज़ादारों को फ़ायदा हो गरीब लोगों को फ़ायदा हो और आम लोगों को अशिया ज़रूरिया मुनासि नरखों पर मिलती रहें तो ये एक मरबूत किस्म का प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के दौरान जो रमज़ान शुरू हुआ है आज से तो उसमें उसकी बरकतों से इस्फादा करती रमजान का, का फलसफा यही है हाँ। कि आपको दूसरों के बूख प्यास हाँ। और उनकी जो ये हमें हुकूमत की वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बनती ये हम शहरी की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे दूसरों का हाथ तामे एक दूसरे की मदद करे इस बाबरकत महीने में वैसी भी स्वब आपका जो है पूरा एक नीलामगर सच जाता है तो, तो है, उस पर हमें मज़ीद उससे मुस्तफीद हाँ। उस होने का एक मौका मिलता है हुकूमत ने तो अपने तौर पर जो उनकी बसात में जो बात थी वो कर, कर दी और मज़ीद भी हाँ। उनको हाँ। इस पर चेक एंड बैलेंस और जो प्राइस रिव्यू कमेटीज़ है उनको फाल करने का जो एक निज़ाम है उसको मज़ीद मौसर करना होगा लेकिन हम जैसे शहरी जो है अगर हम एक दूसरे की मदद करना शुरू कर रहे तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ये रिलीफ देने की नौबत भी बहुत शुक्रिया

हाफिज़ साहिर खलील साहब और रशी साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद थे नाज़रीन रमज़ान पैकेज के हवाले से हम बात रहे थे जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है यकन एक बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन बात यह है कि इनफरादी तौर पर अगर सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें तो हम इस बाबरकत महीने से ज़्यादा फैसियाब हो सकते हैं इसे फ़ायदा उठा सकते हैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक फिर हे चाहेंगे कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों को रमज़ानमारक की मुबारकबाद दी जाए चूँकि चा नज़र आ गया है कल पहला रोज़ा है सबको बहुत मुबारक हो इन शबारा आपसे मुलाकातों की इजाज़त दीजिए I love this. <music>